तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। तो बेटा, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती क्या है? क्या है जनरल इंश्योरेंस? एक होती है बेटे लाइफ इंश्योरेंस, जो आपकी जीवन की, यदि आपकी लाइफ को कोई खतरा होता है तो उसके बाद में पेमेंट की करती हैं। दूसरी होती है जनरल इंश्योरेंस, जो बेसिकली जैसे फायर इंश्योरेंस, आग के लिए जो आपने इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर पढ़ा होगा आईपीसीसी लेवल पर, तो जनरल इंश्योरेंस होती है। फायर इंश्योरेंस, लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी भी तरह का जो अमाउंट में कंपनसेट किया जा सकता हो उसको कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। फायर है, मैरीन है, मेडिक्लेम है, अदर इंश्योरेंस है, अगेंस्ट थेफ्ट है, अगेंस्ट अर्थक्वेक है, ये सब होते हैं जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस, जैसा कि आपको बताया था सेक्शन 2113C कंपनीज एक्ट के अंदर, कि जो बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर मैंडेटरी फॉर द कंपनीज। हाउएवर, देयर आर सर्टेन रिलैक्सेशंस फॉर द बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो अकाउंटिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जो आपके पांच ऐसे हैं वो थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले बेटे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पांच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, AS3, AS4 और बेटे AS9, AS13 एंड AS17, यानी 3, 4, 9, 13, 17। ये जो पांच ऐसे हैं, ये पांच ऐसे थोड़े से डिफरेंट तरीके से एप्लीकेबल होते हैं, यानी जो जनरल आपकी अकाउंटिंग में और कंपनीज में जिस तरह से एप्लीकेबल होते थे, जनरल इंश्योरेंस में थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है ये मैं आपको अभी तुरंत बताता हूं। सबसे पहला AS3 क्या कहता है? AS3 बेटे आपको याद होगा, AS3 क्या होता है? कैश फ्लो। AS3 होता है बेटे कैश फ्लो। लेकिन ये जो कैश फ्लो है, इसमें बेटे दो मेथड अपने पे होते थे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो बेटे ये जनरल इंश्योरेंस के अंदर इनडायरेक्ट मेथड नहीं चलेगा, केवल कैश फ्लो हमें बनाना होता है डायरेक्ट मेथड से। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर हमें डायरेक्ट मेथड से। सेकंड बेटे क्या होता है? AS4 आपने पढ़ा होगा, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, हां सर ये तो पढ़ा है। तो इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट जो स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड्स भी हमारे लिए। तो बेटे इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये भी बेटे नॉट एप्लीकेबल है। किस काम के लिए? तो बेटे जो इंश्योरेंस पॉलिसी से जो लायबिलिटीज आती हैं, जो लायबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो लायबिलिटी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी से अराइज होती हैं, उनके लिए AS4 एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? ये आपको पता ही है, उसके लिए अलग से फंड बना दिया जाता है, 50% फंड इन द केस ऑफ अदर इंश्योरेंस एंड मैरीन के अंदर 100%। तो बेटे इसलिए AS4 के हिसाब से लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी का अलग प्रावधान है, तो AS4 के हिसाब से नहीं करते, ठीक है। इसी तरह बेटे AS9 जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS9 क्या है? AS9 है बेटे रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो बेटे जो AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगता है। तो जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है AS9, जो इंश्योरेंस कंपनी का जो इंश्योरेंस बिजनेस होता है दो, उस पर बेटे नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो बेटे AS3 का
इनडायरेक्ट है, नॉट एप्लीकेबल AS4 के इंश्योरेंस पॉलिसी से जो लायबिलिटी आती है उसके लिए AS4 एप्लीकेबल नहीं है, और जो इंश्योरेंस बिजनेस के लिए AS9 रिवेन्यू रिकग्निशन एप्लीकेबल नहीं है। और बेटे जहां जहां AS13, हालांकि ये खत्म हो चुका है, लेकिन बेटे फिर भी हम बताते हैं अभी भी AS13 का कहीं कहीं यहां भी कंप्लायंस हो रहा है कि बेटे AS13 जहां जहां रेगुलेशंस है इंश्योरेंस की तो वहां वहां AS13 एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जहां रेगुलेशन साइलेंट है, अगर रेगुलेशन साइलेंट है तो वहां पर बेटे AS13 लग जाएगा। ओके, तो ये बेटे चार चीजें हुई। पांचवा बेटे मैं दोबारा लिखता हूं AS17। तो बेटे AS17 के अंदर जो AS17 के अंदर जो सेगमेंट होते थे, सेगमेंट हम 10% के हिसाब से लगाते थे, 10% फिक्स इन्वेस्ट, फिक्स असेट्स, 10% सेल्स, 10% रॉ मेटीरियल, ये सब के अलावा से नहीं होगा। इसका जो सेगमेंट होगा, इसका सेगमेंट बेटे फायर, मैरीन एंड अदर, चाहे बिजनेस 10% हो या ना हो, इसके अलावा कोई सेगमेंट इसमें नहीं होगा। तो AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग इस तरह से होगी। समझ में आया? यस सर। तो बेटे ये हमें समझना है, पांच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 3, 4, 9, 13, 17, 3, 4, 4 और 9, 13 and 13, 4, 17, ये बेटे थोड़े डिफरेंट तरीके से लगेंगे, थोड़ा हट के लगेंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस बिजनेस जरा हट के है, कहते हैं ना हमारी स्टाइल जरा हट के है। तो बेटे ये जो इंश्योरेंस बिजनेस है इसकी बेटे अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी जरा हट के है। अब बेटे हमको जरा समझनी है कि अकाउंटिंग तो समझ ली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमने समझ लिए, जरा इसकी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में तो सर बता दीजिए। तो बेटे समझिए, इसकी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि बेटे हमने आपको बताया है ऑडिट रिपोर्ट के लिए कारों के अंदर हमने आपको क्या क्या बताया था, आई ट्रिपल बी। तो बेटे IBBB में क्या बताया कि ऑल द इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, प्रॉपर बुक्स हैव बीन मेंटेन्ड। ठीक है, ब्रांच रिटर्न्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड एंड बुक्स आर इन एग्रीमेंट विद FS। ये हम चार ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताया करते थे, हर एक की रिपोर्ट के अंदर, चाहे आपको बेटे कंपनीज के अंदर बताया था सेक्शन 227(3) के अंदर, लेकिन इसके अलावा बेटे हमें क्या करना होता है, एक चीज और देनी होती है, एक्चुरियल वैल्यूएशन। क्या देना होता है, एक्चुरियल वैल्यूएशन की लायबिलिटी को और हम सर्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं? तो बेटे इसकी ऑडिट रिपोर्ट में IBBB जो हम हर रिपोर्ट के अंदर करते थे कि ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हैव बीन मेंटेन, प्रॉपर बुक्स हैव बीन मेंटेन, ब्रांच रिटर्न्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंट्स एंड बुक्स आर इन एग्रीमेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स एंड के अलावा एक्चुअल वैल्यूएशन भी सर्टिफाई करें। ये जो 227(3) में हम कंपनीज में करते थे तो लगभग लगभग सेम चीज हम इसके अंदर कर रहे हैं। अब बेटे हम 227(2) में ट्रू एंड फेयर किया करते थे, रिपोर्ट देते थे ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर। तो ट्रू एंड फेयर किस पे देते थे, बैलेंस शीट पे और P&L पे। लेकिन बेटे यदि आपको IPCC में कुछ याद आ रहा होगा कि इसके केस में बेटे एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और एक हम लोग रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं। यस सर। तो इसलिए बेटे इसके अंदर जो रिपोर्ट होगी तो ट्रू एंड फेयर के चार पॉइंट इसके अंदर आएंगे,
चार पैर आएंगे कि बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज ऑन दिस डेट, प्रॉफिट एंड लॉस रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, रिसीट एंड पेमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, एंड रेवेन्यू अकाउंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर डिटेल्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड। तो इसके अंदर बेटे ट्रू एंड फेयर की चार रिपोर्ट्स आएंगी। तो बेटे ये हमारी इंफॉर्मेशन बुक्स के अलावा ट्रू एंड फेयर की चार चीजें आएंगी। इसके अलावा बेटे हमको पांच चीजें और देनी होती हैं, दो चीजें सर्टिफाई करनी होती हैं और तीन हमको सर्टिफिकेट देने होते हैं। ठीक है, इसको बेटे क्या 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 देनी होती हैं? तो सर्टिफिकेट से पहले हमने सबसे पहले आपको बताया IBBB के प्लस वैल्यूएशन एक्चुअरियल का दे दीजिए, सेकंड ट्रू एंड फेयर दे दीजिए आप, चार चीजों का बैलेंस शीट का P&L का रिसीट एंड पेमेंट का एंड रेवेन्यू का। ओके, इसके अलावा हमने आपको बताया कि बेटे इंडियन एयरफोर्स IAF इंडियन एयरफोर्स को आपको और याद रखना, रिपोर्ट के अंदर एक आपको देना होगा क्योंकि बेटे इन्वेस्टमेंट की के लिए रेगुलेशंस हैं जो अभी हम थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाएंगे। तो बेटे इन्वेस्टमेंट एज पर नॉर्म्स, जो इन्वेस्टमेंट है वो एज पर नॉर्म्स है, ये आपको देना होता है। ये इन्वेस्टमेंट क्या है? एज पर नॉर्म्स। क्लियर? इन्फॉर्मेशन एज पर, इन्वेस्टमेंट एज पर नॉर्म्स। दूसरा हमको देना होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट है, और जैसे बेटे हम देते थे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज पर FRF, इसमें देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रेगुलेशंस। तो बेटे IBBB ट्रू एंड फेयर, इन्वेस्टमेंट एज पर नॉर्म्स, अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रेगुलेशंस, ये चीजें हमको देनी होती हैं। उसके अलावा हमको पांच सर्टिफिकेट और देने होते हैं। क्लियर? पांच सर्टिफिकेट। तो बेटे सबसे पहले दो भागों में, एक के बारे में हमें सर्टिफाई करना होता है और एक हमको सर्टिफिकेट देने होते हैं। तो सर्टिफाई हमको क्या करना होता है? सर्टिफाई करना होता है कैश, कि कैश का बैलेंस हमको सर्टिफाई करना होता है। या आप ऐसा कर लीजिए, हमको सर्टिफिकेट देना होता है कैश का, कि कैश का जो फिजिकली वेरिफिकेशन किया है, तो कैश और सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट का हमको देना होता है, कैश और सिक्योरिटी का वेरिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन एंड नो कंट्रावेंशन ऑफ लॉ, नो कंट्रावेंशन ऑफ लॉ, ये तीन चीजें हमको देनी पड़ती हैं। उसके अलावा हमको सर्टिफाई करना होता है दो चीजों को, एक तो बेटे एक मैनेजमेंट रिपोर्ट बनती है, वो अभी हम बताएंगे क्या होती है मैनेजमेंट रिपोर्ट, और दूसरी होती है जो टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके बेसिस पे हमको रजिस्ट्रेशन मिला है, उसको बेटे हमें सर्टिफाई करना होता है। तो बेटे ये हमारे को कुल मिला के 5, 4, 9, 3, 12 पॉइंट तो हमारे को रिपोर्ट के अंदर हो गए, और 12 और 5, 17 टोटल 17 पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने। पहले इन्फॉर्मेशन बुक्स, ब्रांच रिटर्न्स, बुक्स इन एग्रीमेंट, एक्चुअरियल वैल्यूएशन, ट्रू एंड फेयर, बैलेंस शीट का, P&L का, रिसीट एंड पेमेंट का एंड रेवेन्यू अकाउंट्स का, इन्वेस्टमेंट एज पर नॉर्म्स, अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रेगुलेशंस, और हमको सर्टिफाई करना पड़ता है मैनेजमेंट रिपोर्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रेगुलेशंस एंड सर्टिफिकेट अबाउट द कैश सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स, एंड साथ ही हमको देना होता है नो कंट्रावेंशन ऑफ लॉ। तो ये बेटे समझ में आया? हाँ सर, ये तो काफी कुछ अपने को समझ में आ गया। अब बेटे हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज आपको देनी होती है, दैट इज एक रिक्वायरमेंट है शेड्यूल बी, इसके साथ अटैच करनी होती है। जिस तरह नोट्स ऑन अकाउंट्स हमको करने होते हैं, तो आईआरडीए रेगुलेशंस की एक रिक्वायरमेंट है। आईआरडीए रेगुलेशन 2002 क्या कहती है? तो आईआरडीए रेगुलेशन 2000 के हिसाब से हमें चार चीजें एक अटैच करनी पड़ती हैं। इसको बेटे शेड्यूल बी कहते हैं। शेड्यूल बी के अंदर हमको चार चीजें, एक तो हमें देने पड़ते हैं पार्ट वन के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी पड़ती है। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है? इसके लिए बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना पड़ता है। प्रीमियम के लिए क्या पॉलिसी हमने एडॉप्ट की है, प्रीमियम की डेफिशिएंसी के लिए हमने क्या, ये हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे प्रीमियम डेफिशिएंसी होती क्या है। एक्विजिशन कॉस्ट के बारे में क्या पॉलिसी है, यानी जो इन्वेस्टमेंट एक्वायर किए, क्लेम के अकाउंटिंग के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, लोन के बारे में, और एक बेटे कैटास्ट्रॉफी यानी सुनामी टाइप कोई ऐसा हो जाए, डिसास्टर, तो उसके लिए जो रिजर्व बनाया जाता है, आकस्मिक आपदा रिजर्व, इन सब के बारे में क्या पॉलिसी है, ये देनी होती है। सेकंड, कुछ सर्टेन डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड हैं, कुछ सर्टेन डिस्क्लोजर्स हैं वो देने होते हैं। और थर्ड हमको देना होता है सर्टेन डिस्क्लोजर्स के अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी लास्ट ईयर फिगर, नोशनल इनकम, लास्ट ईयर रिजल्ट, नोशनल इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स, ये सारी चीजें देने के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर बेटे 12 पॉइंट है, मैनेजमेंट रिपोर्ट। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट रिपोर्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट देनी होती है मैनेजमेंट रिपोर्ट पर। तो बेटे मैनेजमेंट रिपोर्ट के लिए जरा मैंने एक निमोनिक्स का यूज किया है। बेटे कोई दोस्त है क्या आपका अनूप नाम का? हाँ जी सर, अनूप नाम का दोस्त है। तो अनूप नाम के दोस्त को बेटे पकड़ लिया कितने, तो बेटे अनूप नाम का दोस्त, अनूप नाम का जो दोस्त था वो पक गया, कहां गया, पक गया आरएसएस विवेक विहार की वजह से। किससे पक गया? आरएसएस विवेक विहार। तो अनूप नाम के दोस्त को वो पक गया आरएसएस विवेक विहार, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक विवेक विहार के साथ रहते हुए। तो ये बेटे हमने एक निमोनिक्स बनाया किस चीज का, मैनेजमेंट रिपोर्ट। तो मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर बेटे क्या क्या होता है, इसको याद करने के लिए आप समझ लिए अनूप पक गया है ना आरएसएस विवेक विहार। ओके, ए मीन्स एजिंग ऑफ क्लेम्स
तो सबसे पहले हमें बेटिविस मैनेजिंग मैन रिपोर्ट में देना पड़ता है कि क्लेम्स की एज क्या है, यानी कितने पुराने क्लेम्स हैं, कितने कितने पुराने क्लेम्स हैं। उसके बाद में देना होता है नो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद में ऑपरेशंस इन अदर कंट्रीज, ऑपरेशंस इन अदर कंट्रीज, एजिंग ऑफ क्लेम्स, नो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, ऑपरेशंस इन अदर कंट्रीज। नेक्स्ट है ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर, ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर एंड पेमेंट ऑफ ऑल स्टेटरी ड्यूज, पेमेंट ऑफ ऑल स्टेट्यूटरी ड्यूज। तो हमें बताना पड़ता है कितने पुराने हमारे किले में और हमने कोई इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया नहीं किया है। सर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया नहीं, और दूसरे कह रहे हैं कि ऑपरेशंस इन अदर कंट्री। बेटे आप अदर कंट्रीज में ऑपरेशंस कर सकते हैं, लेकिन वहां पर किराए पे जगह लीजिए, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एजिंग ऑफ क्लेम्स, नो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, ऑपरेशंस इन अदर कंट्री, टोटल हमारी ओवरऑल रिस्क कितनी है, इसको भी इस मैनेजमेंट रिपोर्ट में देना पड़ता है, साथ ही देना पड़ता है। बेटे जिस तरह अपने कारों की रिपोर्ट देनी होती थी कंपनीज के अंदर, ये इसी तरह से बेटे थोड़ा थोड़ा अलग टाइप से इसमें देना पड़ता है, पेमेंट ऑफ ऑल स्टेट्यूटरी ड्यूज, के सारे जो स्टेट्यूटरी ड्यूज हैं वो पे कर दिए गए हैं। उसके बाद में क्वालिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज, एंड हमको जिस तरह बेटे वहां देना पड़ता था कारों में, यहां भी पेमेंट टू पार्टीज इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, पेमेंट टू पार्टीज इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, ये हमारे को देना होता है। फिर क्वालिटी ऑफ असेट्स एंड पोर्टफोलियो, रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। बेटे जिस तरह हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देते थे, इसमें भी बेटे मैनेजमेंट रिपोर्ट। तो बेटे ये है क्या, ये आपको थोड़ा थोड़ा देखने में मैनेजमेंट रिपोर्ट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, तो बेटे उसके अंदर आपने 172 के अंदर भी बेटे रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट हम देते थे, तो बेटे वही रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कुछ कुछ। हाँ सर ये लग तो वैसा ही रहा है, तो बेटे वो भी मैनेजमेंट है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमको देना होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, सॉल्वेंसी मार्जिन रखा गया है या नहीं, वैलिडिटी ऑफ बेटे रजिस्ट्रेशन का जो लेटर होता है उसको समय समय पे वैलिडेट कराया जाता है, तो हमें वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन देखना है। उसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर आपके आती है। तो ये हो गई आपके 5, 6, 7, 8, 9, तो बेटे 12 पॉइंट रिपोर्ट के मेन थे, 12 बेटे इसके अंदर आपके इस रूल बी के अंदर मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर है,
सुजुकी बी का पार्ट फोर है, तो बेटे इसको हम याद करते हैं अनूप प्रज्ञा आरएसएस विवेक विहार में। ओके, तो एजिंग ऑफ क्लेम्स, नो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, ऑपरेशंस इन अदर कंट्री, ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर, पेमेंट ऑफ ऑल स्टेटरी ड्यूज, पेमेंट टू पार्टीज इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, क्वालिटी ऑफ असेट्स एंड पोर्टफोलियो, रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, सॉल्वेंसी मार्जिन, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ तो ये हमारा हुई मैनेजमेंट रिपोर्ट एज पर आईआरडीए। ओके, अब बेटे जो हमने आपको रिपोर्ट के अंदर आपको बताया कि एक हमें जो रिपोर्ट देनी होती है वो आती है कि इन्वेस्टमेंट एज पर रेगुलेशन। सर हाँ, लेकिन हमें ये पता कैसे लगेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट एज पर रेगुलेशन हैं क्या? मैंने आपको कहा था कि इसको भी हम बताएंगे, तो अब हम बताते हैं इन्वेस्टमेंट। बेटे ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जीआईसी इन्वेस्टमेंट कर सकती है केवल बेटे जो अप्रूव किए हुए हैं उन अप्रूव इन्वेस्टमेंट किसमें कर सकती है? इन्वेस्टमेंट कर सकती है केवल जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं। लेकिन दूसरा है बेटे अनअप्रूव्ड, तो उसको क्या करना है? बेटे वो अप्रूव्ड में ही उसको करना है, लेकिन इफ बीओडी यदि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी यूनैनिमसली यानी कॉन्सेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर, यदि कॉन्सेंट है सारे डायरेक्टर्स की, तो बेटे लेस देन और इक्वल टू, तो बेटे 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अनअप्रूव्ड में कर सकते हैं। ठीक है, यदि बेटे कब कर सकते हैं? यदि 25% हो। ठीक है, लेकिन बेटे इसमें यदि हमने अनअप्रूव्ड में करने की सोच ली, तो बेटे अनअप्रूव्ड के अंदर बेटे इसकी लिमिट है। क्या लिमिट है? ठीक है बेटे, यदि जो हम अनअप्रूव्ड में जो करेंगे वो या तो बेटे इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कंपनी,
और अदर कंपनीज में कर सकते हैं। दो तरह की कंपनी में कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी में या फिर अदर कंपनी में। ओके, तो बेटे क्या होगा जरा ध्यान से समझिए। हमने जो इंश्योरेंस कंपनी है अपनी कंपनी, इसको नाम दिया GIC, और जिसको जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया उसको हमने मान लो कंपनी दिया एक्स कंपनी। ओके, तो हमारी जो GIC है वो एक्स कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। किसमें कर रही है? एक्स कंपनी में। और यदि ये एक्स कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी हो सकती है और ये एक्स कंपनी अदर कंपनी भी हो सकती है। तो बेटे ये जो GIC है, तो बेटे हमारी जो GIC है वो किसी भी हालत में अपनी कैपिटल, अपनी असेट्स का जितनी असेट्स है उस असेट्स के 10% से ज्यादा ये अदर कंपनी में भी 10% ऑफ GIC असेट्स, 10% ऑफ द GIC असेट्स तो लेस देन और इक्वल टू इतना कर सकती है। साथ में प्लस दूसरी कंडीशन है कि 2% ऑफ एक्स शेयर कैपिटल, और बेटे यहां पर है प्लस माइनस 2% की जगह 10% ऑफ एक्स शेयर कैपिटल। समझ में आया बेटे? यदि हमारी कंपनी की 1000 करोड़ रुपए की असेट्स हैं और ये एक्स कंपनी बेटे 2000 करोड़ की क्या शेयर कैपिटल है, तो 1000 करोड़ का 10% कितना हुआ? 100 करोड़, और इसका 2% हुआ 40 करोड़। तो हम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? तो बेटे हम केवल 40 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन दिस केस यहां पर आया 100 करोड़ और यहां आया 200 करोड़, तो हम बेटे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। तो बेटे इसका मतलब क्या हुआ? अनअप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट में पहली चीज तो हमको पहली कंडीशन 25%, 25% के अंदर भी हमको क्या करना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट, ये 25% बेटे कैपिटल का नहीं है, ये 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इस 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके अंदर फर्दर सीलिंग है कि अगर हम उस इन्वेस्टमेंट को यदि इंश्योरेंस कंपनी में करते हैं तो बेटे 10% से ज्यादा नहीं कर सकते असेट्स का, नॉट इन्वेस्टमेंट का, और अदर कंपनी में करते हैं तो 10% से ज्यादा नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट का नहीं असेट्स का। लेकिन साथ ही दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, जो दूसरी कंपनी यदि वो इंश्योरेंस कंपनी है तो उसकी शेयर कैपिटल के 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी नहीं है तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बेटे समझ में आया? यस सर। ये काफी कुछ हमको क्लियर हुआ। ओके, तीसरी चीज बेटे, ये जो इन्वेस्टमेंट है, थर्ड है इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। बेटे जो पॉलिसी होल्डर का पैसा है आउटसाइड इंडिया नील, हम जो पॉलिसी होल्डर का पैसा बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, अब बेटे ये जो अप्रूव्ड में भी हम जो करेंगे, अप्रूव्ड के अंदर भी बेटे क्या करना होगा, जो 30% होगा वो हमें करना पड़ेगा CG और SG, मिनिमम 20% हमको करना पड़ेगा CG में। ओके, तो बेटे 30% हमको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की
सिक्योरिटीज में करना पड़ेगा, इस 30% के अंदर भी कम से कम 20%, यानी हम 30% सेंट्रल गवर्नमेंट में कर सकते हैं, 29% कर सकते हैं, 28% कर सकते हैं, 22% कर सकते हैं, 21% कर सकते हैं, 20%, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते 19% सेंट्रल गवर्नमेंट में, 11% स्टेट गवर्नमेंट में, ऐसा इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं कर सकते। ओके, अब बेटे जो 5% है ये हमको हाउसिंग लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, ये बेटे हाउसिंग में या एंड लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी हमको 5% किसमें करना है, या तो हाउसिंग में या लोन टू स्टेट गवर्नमेंट। बाकी बेटे जो 10% है ये बेटे 10% हमको या तो बेटे इंफ्रा में और सोशल में, इंफ्रास्ट्रक्चर ये समझते हो आपका रोड में, रेल में, ब्रिज बनाने में, वाटर में, और सोशल आप समझते हो शिक्षा में, एजुकेशन में, इन सब में करना है। इनका बेटे आपस में अपने हिसाब से बेटे बैलेंस मेंटेन करना है, ऐसा नहीं है किसी एक सेक्टर को आप छोड़ दो। और बाकी जो 55% है वो 55% में से ही बेटे आप इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, या इसमें कर सकते हो। ओके, इसके अलावा इस 55% को और कहीं नहीं कर सकते, 55% को कहीं भी आप कर सकते हैं। क्लियर? तो बेटे ये जब भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट में दो चीजें और ध्यान में रखनी है, केवल हमारी डबल ए रेटिंग होनी चाहिए जो क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी में करेंगे, और यदि शेयर्स में करेंगे तो शेयर्स लिक्विड होने चाहिए, शेयर्स की बेटे लिक्विडिटी हमको एंश्योर करनी होगी। तो बेटे इन्वेस्टमेंट करते समय में क्या ध्यान रखना है कि जो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको बेटे रियल एस्टेट इसमें डबल ए रेटिंग होनी चाहिए और शेयर्स की लिक्विडिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, अब आ जाइए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेटे ये तो हमने समझ लिया कहां कहां करेंगे, लेकिन सर ये तो बताइए इसके वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो बेटे वैल्यूएशन भी समझिए कि इसका वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट का हम लोग करेंगे कैसे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे, ये आप समझिए। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो बेटे चार तरह के इन्वेस्टमेंट हमने देखा कि बेटे एक इन्वेस्टमेंट है बेटे यदि कुछ रियल एस्टेट में लगाया गया है, दूसरा बेटे डेट सिक्योरिटीज में लगाया गया है, तीसरा बेटे इक्विटी में लगाया गया है, और चौथा बेटे अनलिस्टेड में लगाया गया है। इनका वैल्यूएशन हम करेंगे क्या? तो बेटे रियल एस्टेट का हम बेटे जिस तरह AS10 के अंदर करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट, इस बेसिस पे लगाएंगे वैल्यूएशन रियल एस्टेट का। और डेट के केस में यदि ये डेट हेल्ड टू मैच्योरिटी है, हेल्ड टू मैच्योरिटी है, तो बेटे इसका लगाएंगे हम हिस्टोरिकल
कॉस्ट पर, इक्विटी का जो वैल्यूएशन हम लगाएंगे, तो बेटे इक्विटी का हम लगाएंगे फेयर वैल्यू पर, और जो भी फेयर वैल्यू का जो भी जो चेंज होगा उस चेंज को हम बेटे जब फेयर वैल्यू चेंज होगी, हमने 1 लाख का खरीदा, आज 1,20,000 है, तो बेटे हम एक या 80,000, तो बेटे एक हम फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट P&L में डालेंगे, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, ओके, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट एज एक्सपेंसेस डाल देंगे, ठीक है। अनलिस्टेड का बेटे हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस, यदि कोई इम्पेयरमेंट होता है तो इम्पेयरमेंट को लेस करने के बाद में हम अनलिस्टेड का डाल देंगे। तो बेटे ये बेटे बेसिकली हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है, ओके। अब हमारे को समझना पड़ेगा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में बेटे सबसे पहले हमको ये तो बेटे आपको वैल्यूएशन हो गया। अब हम समझते हैं कि मेन आइटम्स आपने आईपीसीसी में भी इंश्योरेंस कंपनीज पढ़ा होगा, हाँ जी सर पढ़ा है, तो बेटे क्या क्या मेन आइटम्स होते हैं, कुछ उसकी नॉलेज और कुछ आज की नॉलेज मिला के हम लोग वेरिफिकेशन समझेंगे। क्या समझेंगे? वेरिफिकेशन, हम लोग वेरिफिकेशन समझेंगे, ओके। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम समझते हैं प्रीमियम, क्या समझते हैं? प्रीमियम। तो प्रीमियम में समझिए, सबसे पहले प्रीमियम में हम क्या देखेंगे, तो बेटे प्रीमियम के अंदर बेटे सबसे पहले जैसे बेटे स्टॉक एक्सचेंज में बताया था, सबसे पहले सेपरेट बैंक अकाउंट, प्रीमियम के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है, तो हमें ये देखना है जो प्रीमियम है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में है, नो प्रीमियम नो रिस्क। दूसरा हम समझेंगे कि जब तक हमारे को प्रीमियम रिसीव नहीं होता हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तीसरा बेटे प्रीमियम को हम 3 बार उसमें डिवाइड करेंगे, कौन सा? डायरेक्ट बिजनेस, पहला बेटे प्रीमियम हमको मिलेगा जो बिजनेस हमने डायरेक्ट लिया, दूसरा बेटे हमारे को री इंश्योरेंस बिजनेस से जो पैसा मिला, डायरेक्ट बिजनेस री इंश्योरेंस बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस से पैसा मिला, री इंश्योरेंस बिजनेस से मिला, और जो को इंश्योरेंस प्रीमियम, 3 पार्ट्स में बांटेंगे। बैंक अकाउंट देखेंगे, नो प्रीमियम नो रिस्क देखेंगे, डायरेक्ट बिजनेस री इंश्योरेंस बिजनेस एंड को इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। अब हमें चौथी चीज फोर्थ चीज हमको देखनी है कि जो भी प्रीमियम होगा यदि बेटे फॉर मोर देन 1 ईयर है या मोर देन बैलेंस शीट पीरियड है तो प्रीमियम को रिस्क पीरियड में डिवाइड करेंगे, रिस्क पीरियड में डिवाइड करेंगे प्रीमियम को, क्या करेंगे? जैसे बेटे हमको क्या है, कार का हमने 28 फरवरी को कार का इंश्योरेंस कराया 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो बेटे इस साल तो बेटे केवल हमारा 1 महीने का ही इंश्योरेंस है ना, बाकी हमारी लायबिलिटी कैप की है, यदि हमको 3,3600 रुपये प्रीमियम मिला तो वो मिलवा मतलब 3 साल का 3600 रुपये, तो 100 रुपये महीने हुआ, तो इस साल का 100 रुपये और 3500 रुपये अगले सालों के लिए डिवाइड करेंगे तो हमें पूरी
पॉलिसी पीरियड में हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बेटे हम जो भी है माइनस कर देंगे अन अर्नड प्रीमियम, जितना अन अर्नड प्रीमियम है उसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद में बेटे हम इसी तरह जो रिजर्व हम बनाएंगे फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ये हम अभी आपको बताएंगे किस तरह हम रिजर्व बनाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा आईपीसीसी लेवल पे एक वर्ड जिसको कहते हैं प्रीमियम डेफिशिएंसी। प्रीमियम डेफिशिएंसी होती है बेटे प्रीमियम, हमें पता है कि अभी उस पर हमारे को 50,000 कॉस्ट आनी है और अन अर्न प्रीमियम केवल 30,000 है, इसका मतलब 20,000 प्रीमियम की डेफिशिएंसी हो गई, उसको हम देखेंगे। उसके अलावा हमें देखना क्या है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर देखना है, कवर नोट। ये बेटे कवर नोट क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था कि बेटे जो जिस तरह आपको फीस की रसीद दी जाती है इसी तरह बेटे इंश्योरेंस का जब भी पेमेंट होता है तो कवर नोट होता है। कवर नोट के बेसिस पे ही बेटे पॉलिसी तो एक बार बनती है या बाद में आती है, कवर नोट यानी जिस दिन पेमेंट हो जाता है उससे बेटे लायबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है डेट डिसाइड करने के लिए। तो जो कवर नोट है यानी एक तरह से जो प्रीमियम की रिसीट है उसको कवर नोट करते हैं, क्योंकि ये रिस्क कवर करता है। क्योंकि हमने आपको बताया था नो प्रीमियम नो रिस्क, तो जिस दिन कवर नोट हो गया इसका मतलब प्रीमियम आ गया तो रिस्क शुरू हो गई। तो हमें देखना है ये जो कवर नोट है वो सीरियल नंबर है या नहीं, ओके। उसके बाद में हमें देखना होता है प्रीमियम रिकॉग्निशन ऑन एफोसिट क्राइटेरिया, ठीक है। तो हमें देखना होता है कि जो क्राइटेरिया है प्रीमियम क्राइटेरिया के हिसाब से मिला हुआ है। उसके बाद में देखना है नो रिस्क किसके लिए, अनकलेक्टेड प्रीमियम, जो प्रीमियम कलेक्ट नहीं हुआ, जो प्रीमियम नहीं मिला, नो रिस्क नो पेमेंट नो रिस्क, ठीक है। शॉर्ट प्रीमियम अनकलेक्टेड प्रीमियम शॉर्ट प्रीमियम और डिलेड प्रीमियम, इन सब के लिए कोई रिस्क हम नहीं मानेंगे, ये भी बेटे हमको देखना होता है। उसके बाद में हमको देखना क्या है री इंश्योरेंस के केस में सारी डिटेल्स देखनी होती है। री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस के अंदर बेटे हमको री इंश्योरेंस की ऑल डिटेल्स सारी डिटेल्स देखनी है, री इंश्योरेंस प्रॉपरली हुआ है या नहीं, इसकी लुक फॉर ऑल डिटेल्स। री इंश्योरेंस के केस में सारी डिटेल देखनी होती है। उसके बाद में बेटे नेक्स्ट पॉइंट बेटे जिस तरह हम सब्सिक्वेंट रिव्यूज देखते थे इसके अंदर बेटे क्या देखोगे, कलेक्शन आफ्टर ट्रायल में बेटे आपको देखना क्या है, कलेक्शन आफ्टर बैलेंस शीट डेट, कलेक्शन देखना है बेटे आफ्टर बैलेंस शीट डेट, कलेक्शन आफ्टर बैलेंस शीट डेट आपको देखना है, कलेक्शन आफ्टर बैलेंस शीट डेट ये देखना है क्या ये वेदर रिलेटिंग टू करंट ईयर और नॉट, वेदर रिलेटिंग टू करंट ईयर और नॉट। को इंश्योरेंस का शेयर देखना है। उसके बाद में प्रीमियम रजिस्टर जो है
वो सीरियल नंबर से बनाया गया है या नहीं, ड्यू डेट देखनी है कलेक्शंस की, ईयर एंड ट्रांजैक्शंस देखने हैं, ईयर एंड ट्रांजैक्शंस, सर्विस टैक्स देखना है, और क्या देखना है कि बेटे रिफंड ऑफ द प्रीमियम। तो बेटे ये 18 पॉइंट आपको देखने हैं प्रीमियम के केस में। सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कैसे कैसे याद करेंगे? तो बेटे इसके लिए सबसे अच्छा है आप जो बेटे आईपीसीसी लेवल पे जब प्रीमियम कैलकुलेट करते थे और जब बनाया करते थे इंश्योरेंस के अकाउंट्स, तो उस चीजों को याद कर लें। अब बेटे हमको दूसरा चैप्टर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स करने के लिए कुछ याद करना पड़ेगा, जो आईपीसीसी लेवल पे हम लोग इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर पढ़ते थे। तो हमें क्या देखना है इसमें भी बेटे, पांच चीजों को हम ध्यान रखते थे, उन पांच चीजों का ही हमको ध्यान रखना है। क्लेम्स के केस में हमको पांच चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन, कितने हमारे क्लेम अनसेटल्ड है, अनसेटल्ड क्लेम का ध्यान रखना है। दूसरा बेटे हमको लिखना है केवल उन क्लेम को, ओनली फॉर दोज कंपनी इज लायबल, केवल उनको ध्यान रखना जिनके लिए कंपनी लायबल है। यदि को इंश्योरेंस का केस है, ओनली आवर शेयर, केवल हमारे शेयर्स को ध्यान में रखना है। नॉट एक्सीड, हमको क्या देखना है, नॉट एक्सीड इंश्योर्ड अमाउंट, और नेक्स्ट देखना है नेट ऑफ साल्वेज वैल्यू, नेट ऑफ साल्वेज वैल्यू। अनसेटल्ड क्लेम देखना है ओनली फॉर दोज कंपनीज लायबल को इंश्योरेंस के केस में, ओनली आवर शेयर्स। को इंश्योरेंस के केस में हमें क्या देखना है, ओनली नॉट एक्सीड इंश्योरेंस अमाउंट, नेट ऑफ सॉल्वेज वैल्यू। इन सब के अलावा हमें क्या देखना है बेटे, हमको देखना होता है एवरेज क्लॉज। ध्यान आ रहा है? हाँ सर 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 सर, एवरेज क्लॉज हम देखा करते थे। हमको ऑडिट के टाइम पे ये भी देखना है कि हमको जो इंटीमेशन दी गई, इंटीमेशन विद इन टाइम, इंटीमेशन विद इन टाइम दी गई। नेक्स्ट बेटे हमको क्या देखना है, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, और नेक्स्ट देखना है बेटे यदि बेटे कोई अंडर लिटिगेशन है तो लीगल एक्ट, किसी क्लेम के अंदर कोई लिटिगेशन है तो हमको बेटे क्या लेनी है, लीगल एडवाइस, लीगल एडवाइस। तो ये बेटे हमारे को बेसिकली क्लेम्स के बारे में देखना है, और हमको देखना है कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी तो नहीं है, नो कंटिंजेंट लायबिलिटी, कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी तो नहीं है। ये सारे पॉइंट्स हमको देखने होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्लेम्स, ठीक है? तो बेटे इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंस ये देखना है कि जो भी क्लेम पे किए गए हैं वो सेंसन के बाद किए गए हैं और केवल अपने शेयर के लिए दिए गए हैं, है ना? उससे बेटे डिस्चार्ज नोट ले लिया गया है, साल्वेज घटा दी गई है,
और यदि कोई डिले हुआ है तो उसका रीजंस, ये सारी चीजें अपने को देखनी है। क्या क्या चीजें देखनी है? पांच चीजें। भाई सैंसन के बाद में ही दिया गया है, अपने शेयर के लिए दिया गया है, साल्वेज का अकाउंट फॉर कर दिया गया है, क्लेमेंट से डिस्चार्ज नोट ले लिया गया है, और यदि कोई लॉन्ग डिले है तो उसका रीजंस। ओके, अब आ जाइए बेटे अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। बेटे अनएक्सपायर्ड रिजर्व, रिस्क रिजर्व याद है कुछ? हाँ सर, कुछ कुछ याद तो आ रहा है। कितना कितना बनाते थे बेटे? मैरीन के केस में हम 100% बनाते थे, औरों के केस में हम 50% बनाते थे। तो बेटे अनएक्सपायर्ड रिस्क किस बेसिस पर आधारित है? कि बेटे ऐसा है कि बैलेंस शीट डेट को कोई रिस्क एक्सपायर नहीं होती है, इसलिए रिस्क सक्सीडिंग ईयर में भी हो सकती है। इसलिए बेटे हम लोग क्या करते हैं, 50% रिजर्व बनाना पड़ता है अदर इंश्योरेंस के लिए और 100% मैरीन के लिए। मैरीन के लिए जितना भी प्रीमियम आएगा वो पूरा का पूरा रिजर्व में चला जाएगा, पिछले साल का है वो प्रॉफिट में आएगा, इस साल का जितना भी प्रीमियम आएगा वो रिजर्व में चला जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। क्योंकि बेटे इंश्योरेंस में ये मान के चलते हैं कोई भी रिस्क केवल इसी साल के अंदर एक्सपायर नहीं होती है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसको कहते हैं हम लोग री इंश्योरेंस। तो बेटे री इंश्योरेंस को हमें जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इस पे चार नंबर का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और इस पे बिल्कुल शॉर्ट नोट आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा पढ़ने में समझने में थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हो ये री इंश्योरेंस होता क्या, ये तो बेटा आपको पता है री इंश्योरेंस, आप पढ़ते थे री इंश्योरेंस सीडेड और री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस सीडेड का मतलब री इंश्योरेंस दूसरे से कराया, और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का मतलब किसी दूसरे का बिजनेस हमने लिया। तो री इंश्योरेंस क्या होता है बेटे? हमारे को, हम इंश्योरेंस कंपनी है मान लो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, हमारे की कोई एकदम 30,000 करोड़ रुपए का कोई ONGC का या रिलायंस पावर का इंश्योरेंस के लिए आया। अब हम सोचते हैं कि हम इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहती, या नॉट कैपेबल टू इतना एक्सपोजर लेने के लिए, तो वो क्या करती है कि उसमें से कुछ फर्दर दूसरी कंपनी से री इंश्योरेंस करा लेती है। जिस तरह की बेटे हमारे पे कोई काम आया CA के अंदर, हमारे पे लगा कि इतना हम काम नहीं कर सकते, तो हम काम आगे दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को सबलेट कर देते हैं, इसको कहते हैं री इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस बेटे दो तरह का होता है, एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है ट्रीटी। फैकल्टेटिव और एक होता है ट्रीटी। तो फैकल्टेटिव होता है अलग अलग, यानी हम एक एक पर्टिकुलर रिस्क का, कोई एक पॉलिसी का अलग अलग रिस्क का अलग अलग देख के बटे, एक हमारे पे 30,000 करोड़ का आया, उस 30,000 करोड़ को हमने आगे दे दिया, ठीक है। एक होता है TT। TT के अंदर बेटे जितनी तरह की ऑल रिस्क हैं उनको एक साथ हमने बांट दिया। उसमें बेटे एक होती है प्रोपोर्शनल TT, एक होती है प्रोपोर्शनल TT और एक होती है नॉन प्रोपोर्शनल TT। प्रोपोर्शनल TT में क्या होता है, जितना भी लॉस होगा 60% हमारा 40% तुम्हारा। सारी पॉलिसी है हमने किसी में कर लिया 60% हमारा 40% तुम्हारा,
ओके। नॉन प्रोपोर्शनल के अंदर एक कोटा शेयर होता है, कोटा एक सरप्लस एक ऑटोफार। तो बेटे कोटा के अंदर जैसे टोटल रिस्क है, उसमें से बेटे हमने क्या किया, जितनी टीटी हमको ज्यादा रिस्क लग रही है, टोटल हमारी रिस्क मान लो 1000 करोड़ की है, हमको 600 ज्यादा लग रही है, वो हमने सरप्लस करके जितनी 400 करोड़ रिस्क हमने बियर की, उसको कहते हैं ऑटोफार। सर समझ में आया? ठीक है। कोटा के अंदर हमने क्या किया, परसेंटेज फिक्स कर दी कि इस 1000 करोड़ की सारी रिस्क हमारे इतनी परसेंटेज हमारी होगी, सरप्लस के अंदर इतनी रिस्क हमारे पे नहीं हो, हम नहीं झेल सकते, तो सरप्लस हमने री इंश्योरेंस करा लिया दूसरे से, इसको कहते हैं री इंश्योरेंस सीडेड। तो हमारी रिस्क कितनी रह गई, 400 करोड़ की रिस्क रह गई। ओके। ठीक है। ये सॉरी बेटे, ये सारी चीजें बेटे हम बता रहे थे प्रोपोर्शनल में, हमने 60% हमारा, इसको बेटे कोटा कह देंगे, 60% हमारा कोटा और 40% तुम्हारा कोटा। सरप्लस है जो हमने दूसरे को दे दिया, ऑटोफार है जो हमारे पर रह गया वो 400 करोड़ का रहे। तो ये हमारी हुई प्रोपोर्शनल टीटी। अब हम जाएंगे नॉन प्रोपोर्शनल। नॉन प्रोपोर्शनल टीटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नॉन प्रोपोर्शनल के अंदर ये बेटे हमारी परसेंटेज बेसिस पे नहीं होती, वो लॉस के बेसिस पे होती है। किसके बेस पे होती है, लॉस के बेस पे। इसमें एक होती है एक्स्ट्रा लॉस और एक एक्सेल प्रिवेंट, एक होती है एक्स्ट्रा लॉस और एक एक्स्ट्रा लॉस। ओके। तो बेटे एक्स्ट्रा लॉस के अंदर ये भी एक्स्ट्रा लॉस बेटे दो तरह का होता है, एक्सेल प्रिवेंट और एक्सेल नॉन प्रिवेंट। तो बेटे एक्स्ट्रा लॉस का क्या होता है, हमें पता है 3000 करोड़ का ये है, इस पर बेटे 1000 करोड़ रुपए तक की तो रिस्क हम झेलेंगे, यदि 1000 करोड़ से ज्यादा की रिस्क आई तो आप झेलोगे, यानी हमने अपने लिमिट कर दिया। हालांकि 3000 करोड़ की रिस्क थी, 1000 करोड़ रुपए तक का लॉस हम बियर करेंगे, उससे ऊपर का आप बियर करेंगे, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा। इसमें बेटे एक्स्ट्रा लॉस प्रिवेंट होता है, ये बेटे जिसमें सारी रिस्कों को एक साथ कैलकुलेट करके लॉस करते हैं, उसको कहते हैं एक्सेल प्रिवेंट। तो बेटे सारी रिस्कों को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेटली निकाल लेते हैं, तो बेटे होगी प्रिवेंट। और यदि हम सारी रिस्क को टुगेदर बेसिस पे करते हैं तो बेटे हो गई नॉन प्रिवेंट। तो बेटे ये हमारी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टीटी एंड नॉन प्रोपोर्शनल टीटी। क्लियर? इससे ऊपर की जो रिस्क होगी, एक बेटे इसी के अंदर टीटी के अंदर स्टॉप लॉस पॉलिसी होती है। स्टॉप लॉस के अंदर क्या होता है, हमने कह दिया कि भाई 300 करोड़ से ज्यादा टोटल लॉस हम बियर नहीं करेंगे, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस पॉलिसी। एक तरह के बिजनेस पे पूरे, बेटे यहां पॉलिसी की बात नहीं हो रही, पूरी तरह के बिजनेस पे 300 करोड़ तक का लॉस हम बियर करेंगे, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस पॉलिसी। ओके। तो ये बेटे री इंश्योरेंस के अंदर तरह तरह की पॉलिसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है। फैकल्टेटिव के अंदर पर्टिकुलर रिस्क होती है, टीटी के अंदर ऑल रिस्क होती है। टीटी के अंदर दो होती है, एक प्रोपोर्शनल टीटी, प्रोपोर्शनल के अंदर बेटे कोटा हम फिक्स कर लेते हैं 60% 40%, ठीक है, और या फिर उसमें से बेटे जो कोटा होता है, हमने कहा 1000 करोड़ की है, 600 का हमने आगे भेज दिया, 400 करोड़ हमारे पास रह गया। इसके अंदर नॉन प्रोपोर्शनल के अंदर रिस्क तो सारी है ही,
लेकिन हम उन रिस्क के लिए फर्दर इंश्योरेंस कर देते हैं कि उसमें कोई रिस्क हुआ 1000 करोड़ तक का हम झेलेंगे, उससे ऊपर का लॉस हुआ तो आप झेलेंगे। इसमें भी बेटे दो तरह की होती हैं, एक एक्सेल प्रिवेंट, एक एक्सेल नॉन प्रिवेंट। यदि सारी रिस्कों को अलग अलग किया जाता है तो एक्सेल प्रिवेंट, और उनको सबको मिला के किया जाता है एक्सेल नॉन प्रिवेंट। और कई बार हम कहते हैं कि टोटल एक तरह के बिजनेस में, जैसे फायर का बिजनेस है या इंश्योरेंस बिजनेस है, 300 करोड़ से ऊपर की रिस्क हम झेल नहीं सकते, 300 करोड़ से ऊपर की रिस्क हम आगे ट्रांसफर कर देंगे, इसको कहते हैं बेटे स्टॉप लॉस। तो ये हमको समझ में आया कुछ कुछ री इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। अब हमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है जो कि बेटे इंश्योरेंस के अंदर, दैट इज सॉल्वेंसी मार्जिन। हाँ सर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंसी मार्जिन। तो बेटे हम अब आपको समझेंगे कि इसमें सॉल्वेंसी मार्जिन, तो सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब क्या है बेटे? तो जैसे कि आपको पता है असेट्स माइनस लायबिलिटी, ये होती है बेटे सॉल्वेंसी। तो हमें सॉल्वेंसी में ये समझना है कि बेटे इन तीनों में से हायर ऑफ 50 करोड़ और री इंश्योरेंस के बिजनेस के केस में 100 करोड़ फॉर री इंश्योरेंस। यदि री इंश्योरेंस का बिजनेस है तो 100 करोड़, सेकंड बेटे 20% ऑफ नेट प्रीमियम एंड 30% ऑफ क्लेम। इन तीनों में से जो भी ज्यादा हो इतना हमको सॉल्वेंसी रखनी हर इंश्योरेंस कंपनी को जरूरी है। अगर कभी सॉल्वेंसी कम हो जाए तो तुरंत हमको IRDA को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को एक प्लान बना के देना होगा कैसे हम इस सॉल्वेंसी को मेंटेन करेंगे। अगर वो प्लान नहीं देते हैं, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी जब भी मार्जिन कम होगा, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी विल बी डीम्ड एज, इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी? इट विल बी डीम्ड एज इंसॉल्वेंट। इंश्योरेंस कंपनी विल बी डीम्ड एज, इट विल बी डीम्ड एज इंसॉल्वेंट। ये कंपनी बेटे इंसॉल्वेंट मानी जाएगी। तो ये हमारे को समझना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं समझेंगे तो बेटे इंश्योरेंस कंपनी हमारी इंसॉल्वेंट मानी जाएगी। तो बेटे समझ में आ रहा है? तो बेटे इंश्योरेंस कंपनी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बेटे अभी मैं गया था एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में, तो बच्चे सुना रहे थे कि बेटे एक ने ली नई मर्सिडीज कार और उसकी कार चोरी हो गई। कार 3 महीने 4 महीने चलाने के बाद चोरी हो गई। तो उसने कहा भाई हमें कार के पैसे दीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा नहीं भाई, आपको वो ही मॉडल, उसी मॉडल की, उतनी ही चली हुई, उसी कलर की, उस कार मिलेगी। बोले अच्छा ऐसा है, सेम टू सेम देते हो आप? बोले हाँ। बोले फिर मेरी वाइफ का जो मैंने इंश्योरेंस कराया है वो वापस कीजिए। तो बेटे ऐसा है इंश्योरेंस कंपनी के केस में, काफी बेटे ध्यान से आपको करना होता है। तो ये आपका बेसिकली इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके थे। बाकी आपको जो थोड़े से सिंपल चीजें हैं, आपको इसके अंदर कमीशंस को चेक करना होता है, मैनेजमेंट को चेक करना होता है, ऑपरेशंस को चेक करना होता है, एजेंट के बैलेंसेज को, टैक्सेशन को,
री इंश्योरेंस इनवर्ड को, री इंश्योरेंस आउटवर्ड को। तो बेटे बाकी चीजों को आपको सिंपल, जिस तरह कमीशन है, मैनेजमेंट कमीशन है, री इंश्योरेंस इनवर्ड है, री इंश्योरेंस आउटवर्ड है, तो उसको बेटे जिस तरह सिंपल कैश वाउचिंग और सिंपल किसी भी एक्सपेंसेस की करनी होती है, उसके अंदर बेटे आपको सारी चीजें ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। क्लियर? केवल आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यदि 5 लाख और 1% ऑफ प्रीमियम से ज्यादा है तो बेटे उसको क्या करना है, सेपरेटली उसको शो करना है, उसको आपको सेपरेटली शो करना है। क्लियर? ये आपको पक्की तरीके से देखना है। तो सर वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी आप करा देते तो अच्छा रहता। चलो बेटे यदि आप चाहते हो तो बेटे वो भी हम करा देते हैं। वैसे उनमें कोई भी टेक्निकल इश्यू इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले बेटे हम क्या देखते हैं, कमीशन। क्या देखते हैं? कमीशन। तो बेटे इस कमीशन में हमको ये देखना है, इंटरनल कंट्रोल देखना है कि जो कमीशन है वो रूल्स के हिसाब से पे हो रहा है या नहीं, रूल्स के हिसाब से पे हो रहा है या नहीं। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने के लिए कोई गाइडलाइंस बनाई गई है या नहीं। ठीक है, टाइमली प्रोसेसिंग हो रही है या नहीं, साथ में रिकंसिलेशन हो रहे हैं या नहीं, और आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स के द्वारा यानी रेशो के द्वारा करंट ईयर के बिजनेस से ये कोरिलेट हो रहा है या नहीं। ये 5 पॉइंट आपको कमीशन में देखने कि उसके लिए बेटे जो भी कमीशन पे किया है उसके रूल्स के हिसाब से पे किया है, उसकी एक गाइडलाइंस बनाई गई है कमीशन की, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, टाइमली पे हो रहा है, रिकंसिलेशन हो रहा है, और प्रॉपर एनालिटिकल प्रोसीजर्स बनाए गए हैं जिससे कि ये पता लग सके कि उसके हिसाब से पेमेंट जितना बिजनेस है उसके परसेंटेज बेसिस पे सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर बेटे आपको प्रॉपर ऑथोराइजेशन देखना है, जो भी वेंडर जिनसे माल खरीदा है वो अप्रूव्ड हैं, उनसे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्रूव्ड हैं, ट्रैवल पॉलिसी अपने को देखनी है, ऐसा ना हो कि बेटे एमडी तो जा रहा हो इकोनॉमी क्लास में और चपरासी जा रहा हो बिजनेस क्लास में। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैंने बता दिया केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 5 लाख और 1% जो भी प्रीमियम है उससे ज्यादा के जो भी खर्चे हैं वो सेपरेटली शो किए गए हैं, सेपरेटली शो होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? सेपरेटली शो होने चाहिए। एजेंट के बैलेंसेज हैं। नेक्स्ट बेटे एजेंट के बैलेंस, एजेंट के जो बैलेंस हैं, बैलेंसेज हैं ये देखने हैं, प्रॉपरली रिकंसाइल हैं, रिकंसिलेशन उनका देखना है कि जो एजेंट के बैलेंसेज हैं तो प्रॉपरली रिकंसाइल हैं और ये भी देखना है कि बेटे क्या उनसे जो लार्ज रिकवरी है वो लास्ट डेट में
की गई हैं क्या, जो प्रीमियम उन्होंने अमाउंट रिसीव किया है उसकी रिकवरी लास्ट डेट में की गई है क्या, कोई एडजस्टमेंट तो इसके अंदर नहीं है, कोई एम्प्लॉइज का बैलेंस तो एजेंट एम्प्लॉइज का बैलेंस इज नॉट शोन इन एजेंट बैलेंस। ये चीजें अपने को देखनी है। ये बेसिकली बेटे आपका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज हुई बेटे इंश्योरेंस के बारे में। अब आपको जनरल इंश्योरेंस के बारे में कुछ एक चीजें और हैं, हालांकि वो इतनी क्योंकि बेटे काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं। एक तो बेटे सबसे पहले इसके अंदर बेटे चार पांच चीजें और मैं थोड़ी थोड़ी आपको हिंट दे देता हूं, एक टैक्सेशन का, एक को इंश्योरेंस का, एक री इंश्योरेंस इनवार्ड का और एक बेटे री इंश्योरेंस आउटवार्ड का। अब आपको आउटवार्ड का, क्योंकि बेटे कोई भी यदि हालांकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है इंश्योरेंस पे, आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। इसमें टैक्सेशन में बेटे बाकी तो आप सब कुछ देखोगे, केवल आपको यदि कोई फॉरेन इनकम है तो डबल टैक्स अवॉइडेंस स्कीम देखनी है। दूसरे बेटे टीडीएस सर्टिफिकेट सारे देख लेने। तीसरा बेटे बेल्ट टैक्स का इम्प्लीकेशन देख लेना है। सर्विस टैक्स का देख लेना है और जो सेल ऑफ साल्वेज है, जो बचा हुआ कवड़ा होता है, उसके जो टैक्स इंप्लीकेशंस हैं उनको देख लेना है। बाकी तो आप देखोगे कि इनकम टैक्स प्रोविजंस जो भी आपके इंश्योरेंस के हिसाब से जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उसके बाद ही किया गया है। तो ये बेटे कुछ पॉइंट टैक्सेशंस के अंदर हैं। बेटे को इंश्योरेंस के केस में बेटे को इंश्योरेंस का स्टेटमेंट लेना है और आपको देखना है कि जो प्रीमियम जो शेयरिंग है वो रिकंसाइल हो रही है या नहीं। इसी तरह बेटे क्लेम्स जो पेड हैं वो भी वेरीफाई करने हैं, जो कि बेटे के क्लेम्स तो बेटे जितने भी आउटगोइंग बिजनेस है, आउटगोइंग बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्क्रूटनाइज करना। ये बेटे को इंश्योरेंस के केसेस के अंदर आपको देखना है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो पॉइंट आपके और रह गए, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ री इंश्योरेंस इनवार्ड एंड वेरिफिकेशन ऑफ री इंश्योरेंस आउटवार्ड।
इनके बारे में हमको और देखना है। तो बेटे इसके लिए बेटे हमको इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA की कंप्लायंस देखनी है कि IRDA की कंप्लायंस हो रही है या नहीं। साथ में ये देखना है ये एज पर अरेंजमेंट है या नहीं। एज पर जो अरेंजमेंट हमने आपस में किया था उसी के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं। इसके बाद में हमको अकाउंटिंग पॉलिसी देखनी है रिगार्डिंग बिजनेस, ठीक है, रिगार्डिंग प्रीमियम रिसीव्ड, रिगार्डिंग क्लेम्स पेड, इसके बारे में जो अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई जा रही है वो क्या है, कंसिस्टेंट है या नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट बेटे क्या देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद में बेटे यदि फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी लॉ है, जो आपका AS 11 की कंप्लायंस अपने को देखनी है। इंश्योरेंस इन्वॉल्व में क्या देखना है, इंश्योरेंस 38 IRDA एज पर अरेंजमेंट है, अकाउंटिंग पॉलिसी, इंटरनल कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज AS 11 के अंदर है या नहीं। उसके बाद में देखना है कि प्रोविजंस हमने प्रॉपर प्रोविजंस बनाया है या नहीं, फॉर आउटस्टैंडिंग एडुकेट प्रोविजंस, फॉर आउटस्टैंडिंग एडुकेट प्रोविजंस किसके लिए, फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स लिखिए बेटे, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, ये सारी चीजें अपने को देखनी है। और बाद में बेटे सबसे लास्ट में हमको रिकंसिलेशन क्या देखना है, रिकंसिलेशन। ये समझ में आया, यस सर। अब बेटे री इंश्योरेंस आउटवर्ड के अंदर क्या करना है, तो री इंश्योरेंस आउटवर्ड में भी बेटे सेम चीज सेम चीज सेम चीज, यहां बस बेटे क्या फर्क आ जाएगा, जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो बिजनेस के बारे में, प्रीमियम पेड के बारे में और क्लेम्स रिसीव्ड के बारे में हो जाएगी। इंटरनल कंट्रोल सेम, फॉरेन एक्सचेंज सेम, एडुकेट प्रोविजंस फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम हो जाएगा और नेक्स्ट बेटे क्या हो जाएगा, रिकंसिलेशंस। तो ये बेटे हमारा कुछ इंपोर्टेंट इश्यू, टैक्सेशन, को इंश्योरेंस, वेरिफिकेशन ऑफ द री इंश्योरेंस इनवर्ड एंड वेरिफिकेशन ऑफ री इंश्योरेंस आउटवर्ड हुआ। यानी टैक्सेशन में हमको देखना है डबल टैक्स अवॉइडेंस स्कीम, TDS, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल ऑफ साल्वेज, टैक्स इम्प्लीकेशन एंड इनकम टैक्स रिविजन ऑफ इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस के अंदर हमको देखना है स्टेटमेंट प्रीमियम शेयरिंग, उस को इंश्योरेंस का स्टेटमेंट देखना है, उस पार्टी का स्टेटमेंट। उस को इंश्योरेंस जैसे बेटे आपको पता ही होगा कि जैसे बड़ा इंश्योरेंस है, री इंश्योरेंस में तो हम लेके अपनी रिस्क आगे इंश्योर कराते हैं, को इंश्योरेंस में हम मिलके इंश्योरेंस कराते हैं। 6,000 करोड़ का इंश्योरेंस है बेटे, 2-3 इंश्योरेंस कंपनी मिल गई, 2,000 की हम, 2,000 का हम और 2,000 का हम, तो इसको क्या कहते हैं, को इंश्योरेंस। उसका स्टेटमेंट देखना है, प्रीमियम देखना है, शेयरिंग देखनी है, रिकंसाइल देखनी करना है, क्लेम जो पे किए हैं उनको वेरीफाई करना है और जो आउटस्टैंडिंग बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमको स्क्रूटनाइज करना है। अब आ जाइए बेटे वेरिफिकेशन ऑफ री इंश्योरेंस इन्वॉल्व। इसके लिए बेटे इंश्योरेंस एक्ट 1938 देखेंगे, IRDA देखेंगे और ये देखेंगे ये एज पर अरेंजमेंट है या नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी देखेंगे कि बिजनेस के लिए क्या इंश्योरेंस पॉलिसी है,
प्रीमियम रिसीट के बारे में क्या पॉलिसी है, क्लेम्स पेड के बारे में क्या इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंटरनल कंट्रोल देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज देखेंगे एज पर AS 11 और एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम्स देखेंगे, नेक्स्ट रिकंसिलेशन देखेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ री इंश्योरेंस आउटवर्ल्ड में हम क्या देखेंगे, उसमें भी बेटे इंश्योरेंस एक्ट देखेंगे, IRDA देखेंगे, एज पर अरेंजमेंट देखेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी के देखेंगे, बिजनेस के बारे में, प्रीमियम पेड के बारे में और क्लेम्स रिसीव्ड के बारे में, और इसी बारे में हम इंटरनल कंट्रोल देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में देखेंगे यदि उससे कोई ट्रांजेक्शन हुए हैं, लेना देना हुआ है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 देखेंगे और एडवोकेट प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम देखेंगे और रिकंसिलेशन देखेंगे। तो इसके साथ साथ बेटे ये हमारा इंश्योरेंस कंपनी का चैप्टर्स लगभग खत्म होता है। इस पर बेटे क्वेश्चंस किस किस तरह के आ सकते हैं, बेटे अनएक्सपायर्ड रिस्क पर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है और आपके पास क्या आ सकता है, प्रोसीजर्स आ सकता है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एजेंट्स बैलेंस इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, कि एजेंट के बैलेंस का कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, को इंश्योरेंस पे, री इंश्योरेंस पे, री इंश्योरेंस इनवर्ड पे, आउटवर्ड पे, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पे, वैल्यूएशन पे, टैक्सेशन पर, सॉल्वेंसी पर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। मैनेजमेंट रिपोर्ट जो हमने बताया, अनूप RSS, अनूप प्रज्ञा RSS विवेक विहार वालों के साथ, उस पर नोट आ सकता है। उसके अलावा बेटे एक नोट इस तरह का भी आ सकता है कि इन द केस ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ द ऑडिट रिसीट एंड पेमेंट इज आल्सो सब्जेक्ट टू द ऑडिट। तो बेटे जब हम उस पर ट्रू एंड फेयर इसमें दे रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट पर, तो रिसीट एंड पेमेंट का ये भी आ सकता है। तो बेटे आप तैयार करिए, आपको बीच बीच में जब हम लोग केस स्टडीज कराते हैं तो केस स्टडीज के बारे में भी आपको तैयार रहना है और इसके आंसर करने। तो ये हमारा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का आपका ऑडिट। तो बेटे अभी हम ब्रेक लेते हैं।